सफलता का चेहरा देखने के लिए मुझे अपने पसंदीदा भोजन से शुरू करके अपने पसंदीदा आदतों को छोड़ना होगा। लंबी मेहनत के बाद भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने पूरे देश का चेहरा चमका दिया। मणिपुर की लड़की ने 2021 टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन में देश को रजत पदक प्रदान किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पांच मुखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चानू की तारीफ। जीत के बाद चानू घर के वापसी के लिए संघर्ष कर रही है। इस बीच मीडिया पूछताछ के दौरान जीवन के किसी एक लक्ष्य तक पहुंचने के बाद वह क्या करना चाहती है, इस बारे में पूछा गया। बिना एक पल बर्बाद किए चानू ने जवाब दिया, वह पिज्जा खाना चाहता है, यह उनका पसंदीदा भोजन है। उन्होंने अस्थायी रूप से ओलंपिक जीतने के लिए अपने पसंद की चीजों से मुंह मोड़ लिया है, लेकिन इस बार 28 साल की मीराबाई घर जाकर पूरे मन से पिज्जा खाना चाहती है। चानू के मीडिया को दिए गए जवाब से हर कोई हैरान था। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा, जब देश में लौटेंगे तो सभी चानू से पिज्जा लेकर मिलने जाएंगे। लेकिन इस बीच डोमिनोज इंडिया ने एक बड़ा ऐलान किया है। जैसे ही चानू की पिज्जा खाने की इच्छा की खबर वायरल हुई, डोमिनोज इंडिया ने घोषणा की कि कंपनी उनके मुफ्त में जीवन भर की इच्छा पूरी करेगी। डोमिनोज इंडिया ने ट्वीट में लिखा, आपने कहा और हमने सुना, हम नहीं चाहते कि मीराबाई चानू को पिज्जा के लिए इंतजार करना पड़े, तो हम आपको जिंदगी भर फ्री में पिज्जा खिलाएंगे। इस ट्वीट के कुछ ही पल बाद कंपनी ने चानू के घर पिज्जा भेजा। देश के ऐसे गौरवपूर्ण क्षण में डोमिनोज की पहल की कई लोग तारीफ कर रहे हैं। बिग न्यूज 24x7 से संपदा झा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।